हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो एंड यू वाचिंग योर फेवरेट चैनल इट सूर्य डॉग चैनल। गाइस, आज का टॉपिक है वो एक गर्भवती हथनी जो कि केरल में जंगल से रास्ता भटक के गांव में पहुंच गई और वहां पे उसको लोगों ने पाइनएप्पल में पटाखे भर के दे दिए उसको खाने के लिए, और जो कि उसके मुँह में फट गया वो, जिससे आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितनी पीड़ा में कितना दर्द सही होगी। वो हथनी फिर भी वहाँ पे कोई नुकसान किसी का नहीं किया, ना किसी को चोट पहुँचाई। पास के ही नदी में जाके वो 3 दिन तक उस नदी में खड़ी रही, अंत में उसने अपना प्राण त्याग दिए। पोस्टमार्टम से पता चला कि वो हथनी प्रेग्नेंट थी और उसके गर्भ में एक नवजात शिशु पल रहा था। तो ये कोई पहली घटना नहीं है। कुछ समय पहले आपने एक डॉग के बारे में सुना था जो अप्रैल नाम था जिसका, उसको भी किसी ने रॉड से बुरी तरीके से मार गत मरा करके छोड़ दिया था और उसके पेट में भी बच्चे थे। ये जो मूर्खतापूर्ण जो व्यक्ति हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है उसके ऊपर छोटी सी मैं आपको बात बताऊंगा। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो किसी भी फूल को देख के उसको तोड़ लेते हैं, और देखेंगे आपकी सड़क पर चलते किसी जानवर को पत्थर मारेंगे, उनकी पूंछ पकड़ के खींचेंगे और उसका बहुत आनंद उठाते हैं। उसी वक्त अगर उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन, उनके माता पिता अगर उनको डांटे, समझाएं, मारे, तो आगे चल के ये ऐसा कार्य नहीं करेंगे। हम भी जब छोटे थे तो हम भी ऐसा काम करते थे, हमारे पेरेंट्स हमको डांटते थे, मारते थे, बोलते थे कि खुद को उसी जगह रख के देखो, तब समझ में आएगा कि कैसा लगता है। तो वो चीज़ आज जाके हमें महसूस होती है, और आज तक हमने, जब से हमें होश है तब से हमने ये सब कार्य नहीं किया कि किसी भी पशु पंछी को नुकसान पहुंचाए। तो प्लीज़ आपसे यही निवेदन है कि आपके आसपास आप जहां भी देखते हैं ऐसे लोगों को जो किसी जानवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको रोकें, उसके खिलाफ एक्शन लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और जिसने भी ये दुष्कर्म किया है उसको सज़ा मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।